बादल और से ना देखूं मुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे महल good. और मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा था, बहुत ज्यादा क्यूट था और कमेंट करके जरूर बताना कि स्टोरी कैसा जा रहा है, तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी पसंद आ रहा है कि नहीं। और हमने लास्ट पार्ट पे देखा था जे होप कुछ प्लान के बारे में बात कर रहा था, चलो देखते हैं, लेट्स गो। ताई थोड़ा नस्तिक हो, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ तुम्हारे कान में। ठीक है ओबी, बताओ क्या प्लान है। फिर ओबी सारा प्लान ताई को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है ओबी, जैसा तुमने कहा वैसा हम करेंगे, लेकिन कब से ये शुरू करें प्लान? कॉलेज के बाद ये प्लान हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ओबी, हम लोग कॉलेज के बाद ये प्लान स्टार्ट करेंगे। फिर दोनों क्लास में चले जाते हैं अपना क्लास अटेंड करने के लिए। फिर अनदर साइड जिमिन घर पे आ जाती है, आने के बाद कुछ सोचने लगती है। अश टाइम आउट कर तो आ गई, लेकिन कल रात को क्या हुआ था जिमिन, सोच क्या हुआ था। फिर जिमिन सोचती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कल रात को उसने क्या क्या किया शुभा के साथ। ओ नो जिमिन, तुमने क्या किया कल रात को, तुमने शुगा को किस कर दिया। अभी कैसे मिलूंगी अगली बार मैं शुगा को, कैसे अपना फेस दिखाऊंगी। ओ नो जिमिन। फिर जिमिन उठती है, जाती है अपने लिए नींबू पानी बनाती है, पीती है, पीने के बाद सो जाती है। एंड अनदर साइड कॉलेज खत्म हो जाता है और जे होप और ताई अपने प्लान में लग जाते हैं। ताई बात सुनो, कैसी हो तुम और तुम्हारा क्लास कैसा था? मैं जंगकुक, मैं ठीक हूँ, मेरा क्लास भी अच्छे से गया। तुम बताओ तुम कैसे हो? जंगकुक कुछ बोलने ही वाला था तभी वहाँ पे किसी की एंट्री हो जाती है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है, मेरे साथ चलो ना। ऐसी क्या बात है होबी बेबी? तुम चलो तो सही बेबी, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो। जंगकुक अभी मैं जल्दी में हूँ, उसके लिए मैं ताई को लेके जा रहा हूँ, बाय। फिर वहाँ से ताई और होबी चले जाते हैं, ताई को होबी खींच के लेके चला जाता है और जंगकुक वहाँ पे शॉक होके खड़ा होके देख रहा होता है सब कुछ। होबी अभी क्या? ताई यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके चुपके से देखो, यहाँ से अभी हम लोग जंगकुक का रिएक्शन देखेंगे। ओके ठीक है ओबी, चलो देखते हैं। ये सब हुआ क्या? ताई बेबी, होबी बेबी, ये चल क्या रहा है और मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो लोग ऐसे बात क्यों कर रहे थे, चल क्या रहा है? होबी तुम्हें क्या लगता है जंगकुक का रिएक्शन देख के उसे कुछ फर्क पड़ा? अभी तो कुछ नहीं कह सकते ताई, लेकिन देखे तो लग रहा है कि उसे गुस्सा आ रहा है करके, देखते हैं आगे क्या होता है। ताई हमें उसे जलस फील कराना पड़ेगा, मैं मेरे फ्रेंड को बुलाऊं क्या, वो ये काम कर सकता है? नहीं होबी, मैं किसी और के साथ ये सब नहीं कर सकती, मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, तुम ही करो ना मेरे साथ प्लीज होबी। ठीक है ताई, मैं ही करता हूँ ये सब। मुझे लगता है कि ये करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जंगकुक के मन में क्या है, वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तुम
पता है ताई, जब मैं तुम्हें ताई बेबी बोल रहा था ना, तायू बेबी, मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आई। मैं क्या कर रहा हूँ करके मुझे लगा। मुझे पता है वो भी, जब मैं भी तुम्हें वो भी बेबी बोल रहे थे ना, सेम फीलिंग मुझे भी हुआ। लेकिन थैंक यू वो भी, तुमने मेरी इतनी मदद की, मेरा सच्चा प्यार को मेरे तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू वो भी बेबी। बाकी सब तो ठीक है, वेलकम ताई। लेकिन ये हो भी बेबी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ओके सॉरी हो भी, मैं मजाक कर रही थी, हो भी बेबी बुला के सॉरी। वैसे हो भी, तुम्हें लगता है कि ये प्लान वर्क करेगा? मुझे तो लगता है कि ताई ये प्लान वर्क करेगा, लेट्स सी। होपफुली तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा तो अच्छा होगा होबी। ठीक है होबी, मुझे अभी घर जल्दी जाना पड़ेगा। कल रात को दी घर पे भी नहीं आई थी, इसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा क्या हुआ करके। ठीक है होबी, अभी मैं चलती हूँ। कल रात को तुम्हारे दी घर पे नहीं आई थी? ठीक है ताई, ध्यान से घर पे जाना। ठीक है बाय, कल मिलते हैं। हाँ होबी, कल रात को दी घर पे नहीं आई थी, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ करके। घर पे जाऊंगी तभी पता चलेगा। ठीक है बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय। फिर ताई ओबी को बाय बोलने के बाद घर के लिए निकल जाती है। ओबी भी अपने घर चला जाता है और जंगकुक भी अपने घर चला जाता है, सोचते सोचते ये सब क्या हुआ करके। दी आप कहाँ हो? दी आप कहाँ हो? क्या हुआ ताई? रुको मैं आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रही हो? रुको। दी आपको पता है कल रात से मैं कितना परेशान थी, आपका फोन भी नहीं लग रहा था। फिर बताओ क्या हुआ था कल रात को? वो ताई कल रात को मेरा फोन बैटरी लो था इसके लिए ऑफ हो गया था, और कल रात को मीटिंग लेट खत्म हुआ तो वहाँ से मेरे फ्रेंड का घर नज़दीक था तो मैं वहाँ पे चले गए रुकने के लिए, यही हुआ था। लेकिन दी आप अपने फ्रेंड के घर से तो मुझे कॉल कर सकती थी ना कि आप आज नहीं आएंगी करके? हाँ ताई तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, टायर्ड हो गई थी, इसके लिए मैं सीधा जाके सो गई थी। सॉरी ताई, माफ़ कर दो मुझे। इट्स ओके दी, मैं खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें क्या बताऊँ ताई, कल रात को क्या हुआ था? दी क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? दी ताई मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँ फिर मैं रेस्टोरेंट के लिए निकलती हूँ, सुबह से गई भी नहीं थी, अभी शाम भी होने वाला है, खाना बना के मैं चली जाऊँगी फिर तुम खा लेना। ठीक है ताई? ठीक है दी, आप ध्यान से जाना। फिर जमीन खाना बना के ताई को बोल के चली जाती है अपने रेस्टोरेंट में। ये क्या किया तूने शुगा, जमीन तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। अभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, चल शुगा कुछ करते हैं। सो आर्मीज यही तक थी 8 पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि शुगा ने क्या सोचा। Thank you Army for your love and support. Thanks for watching. Like, share, comment, subscribe. Don't forget. Sarangi. Bye bye. See you soon.